Good morning, children. Today I am going to teach you science of class 4, and that is lesson 2, materials from the earth. Already I have taught you lesson 1, that is the food we eat. So in this lesson we are going to study about stones and their uses. So everyone can see many types of stones around you, right? Your houses are also built with stones, clay, sand, glass, etc. So from where the stones are available, right? Stones are dug out from big rocks, and the places where large amount of stones are dug are called as quarry. बेटा स्टोन्स जो होते हैं बड़े बड़े रॉक से काट के बनाया जाता है, और जहाँ पे ये स्टोन्स बनता है काट कर उसको कहते हैं क्वेरी. नाउ वी विल सी दैट स्टोन्स आर नेचुरली अवेलेबल. मैन डज नॉट मेक स्टोन्स, सो स्टोन्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. सो वी शुड प्रोटेक्ट अवर नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली. नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ स्टोन्स एंड देयर यूसेज. सो first types of stones in this we will see. Stones are classified as precious stones and semi precious stones. First we will see what is precious stones. Precious ka matlab hota hai bahut keemti, mehanga. So precious stones such as diamond, marble, emerald, they are very rare and expensive, so they are called as precious stones. Matlab ye stones बहुत कम अवेलेबल है और बहुत महंगा है. एग्जाम्पल आपको सबको पता है, रूबी, एमरल्ड, डायमंड. तो ये स्टोन्स बहुत प्रेशियस स्टोन्स हैं. नेक्स्ट है सेमी प्रेशियस स्टोन्स. द स्टोन्स विच आर नॉट एक्सपेंसिव दे आर कॉल्ड एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स. एग्जाम्पल यू कैन सी अबाउट टोपैज, राइट? टोपैज इज वेरी वेरी रेयर अवेलेबल, राइट? एंड दे आर कॉल्ड एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स. ये इतने महंगे नहीं होते जितना डायमंड और रूबी होता है. नाउ वी विल सी वन बाय वन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स एंड देयर यूसेज. फर्स्ट है मार्बल्स. सो मार्बल्स आर वेरी हार्ड रॉक्स. व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देयर सरफेसेस बिकम स्मूथ. दे आर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड डेकोरेटिंग होम्स. सो एग्जाम्पल आई विल गिव यू. एवरी वन हैव सीन ताजमहल. ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल्स. मार्बल्स बेटा बहुत हार्ड रॉक होता है, लेकिन जब हम उसको रफ करेंगे तो उनका सरफेस स्मूथ हो जाता है, और वो हम लोग अपने घर को सजाने के लिए भी यूज करते हैं, राइट? नाउ सेकंड वी विल स्टडी व्हाट इज ग्रेनाइट एंड देयर यूसेस. सो ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड रॉक्स एंड इट डज नॉट वियर आउट वेरी इजीली. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक द किचन काउंटर्स. इसका मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेनाइट भी हार्ड रॉक है और वो जल्दी ख़राब नहीं होता. इसलिए सबने अपने किचन में देखा होगा, जो आपके किचन में एक पत्थर लगा होता है जिसपे गैस रख के आपकी मम्मी खाना बनाती है, वो किसका बना होता है? ग्रेनाइट का. सो इट इज़ यूज इन किचन काउंटर्स. नाउ थर्ड यू विल सी ग्रेफाइट. सब लोग ग्रेफाइट से ज़्यादा अवेयर होंगे, क्योंकि आप लोग पेंसिल से लिखते हैं और उसका लेड किससे बना होता है? ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ वेरी सॉफ्ट रॉक्स एंड इट इज यूज टू मेक द लेड ऑफ द पेंसिल. ऑल्सो इट इज यूज टू मेक द बैटरीज एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सबको समझ में आया ग्रेफाइट? ग्रेफाइट का यूज है, आपने सबने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल में ब्लैक कलर का लेड होता है, राइट? तो दिस लेड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, राइट? सब लोग पेंसिल से लिखते हैं, ये क्या है? ग्रेफाइट. एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक बैटरीज एंड टू प्रोड्यूस electricity. Now you will see talc. Talc is very soft rock and it can be crushed into fine powders. So it is used to make talcum powders. It is also used to make paints and papers. Talcum powder आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग उसको जब crush करेंगे वो बहुत fine powders में हो जाता है. And it is used to make paints and papers also. नेक्स्ट वेरी चॉक. चॉक सबने देखा होगा अपनी क्लासेस में, राइट? टीचर आपकी यूज करती है चॉक से लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पे. सो चॉक इज अ वेरी सॉफ्ट रॉक. आप लोग इसको फाइन जब इसको क्रश करेंगे इट कैन बी मेड इनटू फाइन पाउडर्स एंड इट इज यूज्ड टू राइट इन द ब्लैक बोर्ड. एंड द स्टोन व्हिच इज यूज्ड टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड इज मेड अप ऑफ स्लेट. स्लेट इज वेरी रफ, दैट्स व्हाई इट इज इजी
chalk the slate. Next is diamond. Diamond sabne suna hoga. It is very hard rock, but when it is rough, its surface or edges is very fine. इनका एडजेस बहुत फाइन और शार्प होता है, इसलिए डायमंड्स आर यूज टू कट द ग्लास. सो व्हाट इज द यूज ऑफ डायमंड? डायमंड्स आर यूज टू कट द ग्लास. नेक्स्ट बबल से कोल. कोल मतलब क्या होता है? कोयला. सबको पता है कोयला, गांव में कोयले से हम लोग खाना बनाते हैं, राइट? सो कोल इज यूज फॉर कुकिंग एंड इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल बेटा देखिए, पहले जो ट्रेन चलते थे वो कोयले से ही चलाया जाता था, क्योंकि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था जिससे हम लोग ट्रेन को चला सकते. सो कोल, द मेन यूजेस ऑफ कोल इज इट इज यूज फॉर कुकिंग एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्ले. सब में क्ले के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? सो क्ले इज वेरी स्टिकी सब्सटेंसेस consisting of fine particles of sand which hold lot of water. बेटा देखिए, क्ले हमने अपने क्राफ्ट में यूज़ किया होगा डिफरेंट मटीरियल्स बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. तो क्ले आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है, राइट? इट इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और क्ले सबसे ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है. एंड क्ले इज यूज फॉर मेकिंग पॉटरीज एंड मैनी मोर मटीरियल्स. सो हाउ पॉट्स आर मेड? पॉट्स कैसे बनता है? मटका सबने देखा होगा, मटका कैसे बनता है? इट इज मेड विथ क्ले. इट इज मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड देन इट इज पुट इन अ ओवन विच इज कॉल्ड एज किल. के आई एल एन. इसको किसमें डालते हैं? ओवन में, जिसको कहते हैं के आई एल एन किल. एंड व्हेन दिस पॉट इज पुट इन दिस ओवन इट बिकम्स हार्ड, राइट? वो बहुत टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है. उसके बाद देन दिस पॉट इज डेकोरेटेड एंड पॉलिश्ड इनटू डिफरेंट कलर्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लेजिंग. हम लोग पॉट के सरफेस को आपने देखा होगा शाइनिंग होता है, पॉलिश किया होता है, हम उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लेजिंग. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ब्रिक्स. ब्रिक्स को पता है? ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ईटा, जिसको हम लोग हिंदी में ईटा बोलते हैं. सो ब्रिक्स इज ऑल्सो मेड बाय क्ले एंड इट इज पुट इन टू ओवन, दैट इज वी कैन से इन टू अ फायर. वेन इट इज पुट इन टू फायर इट बिकम्स वेरी हार्ड. आपने पत्थर देखा होगा, मट्टी का ही बनता है क्ले का, जब हम उसको फायर में डालते हैं तो वो बहुत टाइट हो जाता है. क्लियर? एंड द लास्ट इज सीमेंट. सो हाउ सीमेंट इज मेड? सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग क्ले विथ अ रॉक कॉल्ड एज लाइमस्टोन and it this process is called as the mixing of sand and rock which is limestone. It forms a thick paste which is called as mortar. And cement is used in many building materials, right, in constructions. Clear? So I hope so you all would have understood about stones and their types as well as different stones and their uses which we do in our day to day life activities. So today's homework is you have to study all the uses of stones. Thank you everyone.